महेंद्र सिंह धोनी और नरेंद्र सिंह धोनी कहने को तो दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच इतना मन मोटाव है कि दोनों आपस में बात तक नहीं करते। और फिलहाल दोनों की राहें बिल्कुल अलग अलग है। और ये राहें इतनी अलग है कि एक बार नरेंद्र सिंह धोनी हॉस्पिटल में एडमिट थे तो महेंद्र सिंह धोनी उनसे मिलने तो छोड़ो, उन्हें एक फोन करके उनका हाल चाल तक नहीं पूछा, जबकि वो उसी शहर में अपनी छुट्टियां बिता रहे थे। नरेंद्र सिंह धोनी माही के बड़े भाई हैं, लेकिन इस बात का जिक्र धोनी ने कभी भी किसी इंटरव्यू में आज तक नहीं किया है। यहाँ तक कि धोनी के जीवन पर एक फिल्म बनी, उसमें भी नरेंद्र सिंह धोनी के बारे में कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि फिल्म में माही के जीजा तक को दिखाया गया था। लेकिन माही ने अपने बड़े भाई को इस लायक तक नहीं समझा कि वो फिल्म में उनके बारे में थोड़ा सा भी बता सके। और जब मूवी रिलीज हुई तो माही को इस बात के लिए लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन जब यही बात माही के बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ये सब तो डायरेक्टर जाने, शायद उन्हें माही के जीवन में मेरा रोल अहम नहीं लगा होगा, इसीलिए उन्होंने फिल्म में उनके बारे में जिक्र नहीं किया। लेकिन मैं अपने छोटे भाई माही को बहुत प्यार करता हूँ। और दोस्तों, एक बार तो नरेंद्र सिंह धोनी अपने भाई MS धोनी का मैच देखने के लिए गए थे, तो उन्होंने एक आम शख्स की तरह लाइन में खड़े रहकर टिकट खरीदी थी। साल 2009 में माही रांची में अपना घर बनवा रहे थे, तब माही अक्सर मैच के सिलसिले में घर से बाहर ही रहा करते थे, तो उनके भाई नरेंद्र ने अपनी देखरेख में घर को बनवाया था। फिर 2 अप्रैल 2011 वो ऐतिहासिक दिन आया जब 28 सालों बाद इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तब उनके भाई नरेंद्र ने रांची वाले घर के बाहर फैंस के साथ जमकर आतिशबाजी भी की थी, और वो इस बात से काफी खुश थे कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने में उनके भाई का भी योगदान है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे कि दोनों के बीच इतनी दूरियां बढ़ गई कि आज दोनों में बातचीत तक नहीं होती। न्यूज में आए दिन दोनों भाइयों के मन मुटाव की खबरें आती रहती है, लेकिन उनके भाई नरेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि उन्हें उनके भाई माही से कोई शिकायत नहीं है, और फिल्म में उनका रोल ना दिखाने से भी उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही नरेंद्र ये भी कहते हैं कि फिल्म माही के जीवन पर आधारित है, ना कि उनके परिवार के ऊपर, और इस बात के लिए वो माही से बिल्कुल भी नाराज नहीं है कि फिल्म में उनके बारे में जिक्र नहीं किया गया। नरेंद्र सिंह धोनी अपने भाई महेंद्र सिंह धोनी से उम्र में 10 साल बड़े हैं, और इसी को वो अपने भाई से दूरी की वजह भी बताते हैं। नरेंद्र कहते हैं कि जब माही ने अपनी लाइफ में पहली बार बैट उठाया था तब तक मैं पढ़ाई के लिए घर से दूर जा चुका था, और इस वजह से हमारे बीच वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई जो बननी चाहिए थी। और नरेंद्र ये भी कहते हैं कि वो अपने भाई को क्रिकेटर बनते तो नहीं देख पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने माही को क्रिकेटर बनने के लिए कभी सपोर्ट ही नहीं किया। नरेंद्र बिल्कुल साफ मन से कहते हैं कि वो अपने भाई माही से बहुत प्यार करते हैं और उनके सभी मैच को वो देखते हैं, लेकिन माही को उनके साथ बिताए पल याद नहीं है क्योंकि उस समय वो काफी छोटे थे। और नरेंद्र अपने भाई माही से किसी भी बात पर हुए मन मोटाव को लेकर साफ इनकार करते हैं और बोलते हैं कि आज माही जो भी है वो अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते पर है, और वो अपने भाई को क्रिकेटर के रूप में देखकर काफी खुश भी हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो भी है, ये प्यार दिखता तो एक तरफा ही है, नहीं तो माही के जीवन पर एक फिल्म बनी और इन्होंने कहीं भी अपने भाई नरेंद्र का फिल्म में थोड़ा सा भी जिक्र नहीं किया, और ये बात लोगों को भी बहुत ज्यादा अजीब लगी। खैर, जो भी है, असलियत तो MS धोनी और उनके भाई नरेंद्र सिंह धोनी ही जाने। फिलहाल नरेंद्र सिंह धोनी किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपना एक रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, जिसमें वो सभी जवानों और उनकी फैमिली को लाइफ टाइम 25% का डिस्काउंट देते हैं।